रात के वक्त उनको जा घेरा और नंगी तलवार हाथ में लेकर चाहा कि मस्जिद के अंदर घुसकर मैं तमाम आबिदों के आपको मार डाले। खुदा की मर्जी ऐसी हुई कि इन पर नींद ने गलबा कर लिया और फिर वो सब के सब सो गए। मस्जिद से निकलकर जब आपने देखा कि लश्कर सारे का सारा सो रहा है, तब नंगी तलवार उसके हाथ से लेकर पत्थर पर मारी और पत्थर के दो टुकड़े करके उसके पेट पर तलवार और पत्थर रखे और फिर एक कागज पर कुछ लिखकर तलवार और पत्थर के साथ ही रख दिया। कागज पर यह लिखा था कि ये तेरी तलवार मैंने पत्थर पर मारी और पत्थर के दो टुकड़े कर दिए, और अगर तेरे पेट पर मारता तो तेरे पेट के भी दो टुकड़े कर देता और फिर तुझे खबर भी ना होती और कोई भी तेरी फरियाद को ना पहुँचता। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام عليكم। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और तालूत की आपस की अदावत की दास्तान लेकर हाजिर हुई हूँ। एक रवायत में है कि जब तालूत ने जालूत से जंग में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वजह से फतह हासिल की, तालूत का मुकाबला जब देव हैकल जालूत के साथ हुआ तो तालूत ने कहा था कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा तो मैं ना सिर्फ उसे आधी सल्तनत दूंगा बल्कि अपनी बेटी की शादी भी उससे कर दूंगा। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल कर दिया और कौम ने फतह हासिल कर ली तो कौम बनी इसराइल तालूत पर जोर देने लगे कि तुमने वादा किया था कि जो जालूत को मारेगा तो मैं उसको आधी सल्तनत दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी उससे करूँगा, लिहाजा अब आपको अपना वादा पूरा करना चाहिए। तालूत ने अपना वादा पूरा करने में हिचकिचाहट महसूस की, कहने लगा कि मेरी बेटी तो बेहद खूबसूरत है और दाऊद कमज़ोर और जर्द रंगत का मालिक है और इसकी आंखें भी ठीक नहीं हैं, मैं इससे अपनी बेटी की शादी ना करूँगा। तालूत की इस तरह की बातें जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुनी तो कहने लगे कि अगर तालूत इस तरह की बातें कर रहा है तो फिर मैं भी अब उसके यहाँ उसकी बेटी से शादी ना करूँगा। बाद में अगरचे तालूत ने अपनी बेटी की शादी दाऊद अलैहिस्सलाम से कर भी दी और आधी सल्तनत भी आप अलैहिस्सलाम को दे दी, मगर ये सब बेटी की शादी से पहले के हालात हैं। इधर जब दाऊद ने जालूत को मार गिराया तो कौम बनी इसराइल जो जालूत के जुर्मों से तम से बेहद परेशान थे, वो सब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के गर्विदा और ममनून हुए और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से बेहद मुवाफिकत रखने लगे। जब तालूत ने ये देखा कि लोग जोग दर जोग हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के गर्विदा हो रहे हैं और उनसे बेहद उनसियत रखते हैं तो तालूत को अपनी सल्तनत की फिक्र लाहक हुई। वो दिल में डरने लगा कि दाऊद अलैहिस्सलाम इन लोगों के साथ मिलकर मेरी सल्तनत ना छीन ले, और फिर तालूत को भड़काने वाले लोगों ने भी तालूत को भड़काया कि एक मस्जिद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कुछ आबदों के साथ दाखिल हो गए हैं और वहाँ वो आपकी सल्तनत को बर्बाद करने के लिए बददुआ करेंगे। जब ये सब कुछ तालूत ने सुना तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मार डालने का कसद किया। इधर दाऊद अलैहिस्सलाम एक पहाड़ के किनारे जाकर वहाँ एक मस्जिद बनाकर खुदाए रब्बे जलाल की इबादत में मशगूल हो गए और तकरीबन उनके साथ 70 आदमी आबिद थे और वो सब उस मस्जिद में इबादत करते थे। ये देखकर लोग तालूत के पास आए और कहने लगे कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत सारे आबिदों के साथ मस्जिद में बददुआ करने के लिए जमा हो गए हैं और फरियादें करने लगे कि अगर इन लोगों को रोका ना गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये सब सुनकर तालूत अपने एक लश्कर के साथ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मारने के वास्ते उस पहाड़ के करीब पहुंच गया जहां हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत गाह थी। रात के वक्त उस इबादत गाह को घेरे में ले लिया और नंगी तलवारें हाथ में लेकर चाहा कि इबादत गाह में घुसकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भी मैं आपके साथियों के कत्ल कर डाले, मगर खुदा ताला की मर्जी ऐसी हुई कि तालूत और उसके लश्कर पर नींद ने गलबा हासिल कर लिया।
सबके सब गहरी नींद सो गए। और उसी वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बाहर आए तो देखा कि तालूत बे मैं अपने तमाम लश्कर के गहरी नींद सो रहा है और सब लश्कर के हाथों में तलवारें हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने नंगी तलवार तालूत के हाथ से ली और तलवार एक पत्थर पर मारी। पत्थर के दो टुकड़े हो गए और फिर सोए हुए तालूत के पेट पर पत्थर के दो टुकड़े और नंगी तलवार रखी और एक कागज़ पर लिखकर कुछ रखा और फिर जो चराग जल रहा था वो भी बुझा दिया। उस कागज़ के टुकड़े पर यह लिखा था कि ऐ तालूत, ये तेरी तलवार मैंने पत्थर पर मारी और पत्थर के दो टुकड़े कर दिए, और अगर ये तलवार तेरे पेट पर मारता तो तेरे पेट के भी दो टुकड़े कर देता और फिर तुझको खबर भी ना होती और कोई भी तेरी फरियाद को ना पहुंचता। बस बेहतरी तेरी इसी में है कि तू उठकर यहाँ से चला जा और इन आबदों को मारने का इरादा बिल्कुल तरक कर दे, वरना आखरत में भी गुनहगार होगा। जब दिन की रोशनी फैली और तालूत और उसका लश्कर गहरी नींद से बेदार हुआ, तालूत देखता है कि उसकी तलवार दो पत्थर के टुकड़े और एक कागज़ का टुकड़ा उसके पेट पर रखा हुआ है। डर कर उठ खड़ा हुआ और फौरन पेशेमान होकर बैतुल मुकद्दस में चला गया और उधर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक अपने आबदों के साथ इबादत इलाही में मशगूल हो गए। इस वाक़े के कुछ रोज़ के बाद लोगों के भड़काने पर तालूत ने फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पीछे कुछ सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि दाऊद अलैहिस्सलाम को उसके साथियों समेत कत्ल कर दो। अब की दफ़ा तालूत के सिपाही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के साथियों को मारने के वास्ते उस इबादत गाह में गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इत्तेफाक से वहाँ ना थे, मगर आप अलैहिस्सलाम के तमाम साथी इबादत गाह में मौजूद थे। सिपाहियों ने इबादत गाह में दाखिल होकर आप अलैहिस्सलाम के तमाम साथियों को मार डाला। इस बात की खबर जब तालूत को हुई कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तो बच गए हैं मगर आप अलैहिस्सलाम के तमाम साथी मारे गए हैं तो बेहद पशेमान हुआ। उसका मतलब तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से था, वो तो आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहता था, आप अलैहिस्सलाम तो बच गए और आप अलैहिस्सलाम के तमाम साथी मारे गए। तो तालूत को नाबदों के मर जाने का बेहद अफसोस हुआ और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ अफसोस का पैगाम भेजा बल्कि बुलवा भेजा ताकि वह अपनी बेटी की शादी दाऊद अलैहिस्सलाम से कर दे और अपनी तकसीर की उजरदारी भी करे। जब तालूत के कासिदों ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि तालूत बादशाह आपको बुलाता है और अपनी तकसीर की माफ़ी चाहता है, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कासिदों की बात सुनकर जवाब दिया कि तालूत ने गुनाह कबीरा किया है क्योंकि उसने बेगुनाह अल्लाह वालों को कत्ल किया है और उसने तो मुझे भी मारने का कसद किया था। अब जब तक वह लड़ाई में ना जाएगा और बाइवज हर आबिद के एक काफिर को ना मारेगा उस वक़्त तक मैं वहाँ ना जाऊँगा और उससे सुलह ना करूँगा। फिर कासिदों ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का पैगाम तालूत को पहुँचाया। बादशाह तालूत ये बातें सुनकर अपने किरदार पर बेहद पशेमान हुआ और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हस्बे फरमान तालूत बादशाह लड़ाई के मार्के में जा खड़ा हुआ। अचानक एक तीर दुश्मन की तरफ से आया और तालूत बादशाह के सीने पर लग कर पुश से निकल गया। बस तालूत बादशाह वहीं इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गया। यह देखकर उसका लश्कर हजीमत पाकर वापस आ गया और यह खबर पाकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालूत के घर आकर तालूत की बेटी से शादी की और तालूत बादशाह की सल्तनत का मालिक भी हुए। और आप अलैहिस्सलाम के सब्र के सिले में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को बादशाही और पैगंबरी से नवाजा, जैसा कि फरमाया रब ताला ने, और दी अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत और हिकमत यानी के पैगंबरी से नवाजा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लाखों दुरूद सलाम
हमारे आका मौला हबीब खुदा सैयद अल-अंबिया खातमुल नबीयीन शफीउल मुस्लिमीन रहमतुल आलमीन सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आल पर तमाम अम्बिया तमाम फरिश्तों तमाम औलिया तमाम इमामों और तमाम बुजुर्गान दीन पर और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला हम सब को हक और सच के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन वफिल आखिरती हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबन्नार।